तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग वहाँ थे लास्ट टाइम, ब्लॉग वहाँ एंड किया था, अब यहाँ आ गए। मैं मेरी बहन के घर आया हूँ जयपुर में। यहाँ चेहरा सूजा हुआ है क्योंकि भाई इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग और अभी हम लोग जा रहे हैं। फाइनली आज से जयपुर एक्सप्लोरिंग डे चालू होएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करते हैं, लोग है अपने साथ, निकलना है, पहुँचना है, सनराइज़ कैप्चर करना है, तो निकलते हैं फटफट से खमागढ़ी। वेलकम टू जयपुर। तो गाइस बाइक अपनी तैयार है, बैठिए भाई, मिलाते हैं हम आपको सबसे। दिस इज द लाइनअप फॉर टुडे। और हाँ बैठ जा, इजी इजी, ये होता है, दिस इज़ वन टफ जॉब कि ऐसे बैठो, फिर पीछे जाओ और फिर मैं बैठूँगा बस। ये भाई अपन बैठ गए और अभी जैसा कि मैंने आपको बोला टाइम हो रहा है बस 5:47। जैसा कि आप देख सकते हो हमको निकलना था, एटलीस्ट हमको तो पहुँचना था, क्या बोलते हैं नन्नू भाई, पहुँचना था ना अपने को। हाँ भाई, पर अभी नहीं पहुँचे, कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ विक्रांत की वजह से। ओके, बिकॉज ये बहुत लेट होता है। एग्जैक्टली, तो भाई अभी निकलते हैं और लेट्स गो। तो गाइस मैंने आपको डेस्टिनेशन तो बोला ही नहीं यार, जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गए शायद। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स नाहरगढ़। अभी हम लोग शायद कोई बाज़ार में आए, ये शायद बापू बाज़ार है, पता नहीं क्या है भाई। और अभी आप जैसा कि देख सकते हो 6 बज चुका है और सनराइज़ अभी होने वाला है, तो शायद हम लोग जो सनराइज़ है वो मिस करने वाले हैं। देखते हैं भाई क्या होता है, पूरी कोशिश है पहुँचने की। नीचे जा रहे हैं टू गेट अ नाइस शॉट एंड प्रॉपर व्यू ऑफ द सनसेट, क्योंकि सनराइज में वाला है। तो गाइस वी आर फाइनली एट नाहरगढ़ फोर्ट। एक्चुअली ये फोर्ट नहीं है, दिस इज द आउट्स, मतलब आउटर पार्ट ऑफ नाहरगढ़। पर आप जैसा कि देख सकते हो भाई पीछे सनराइज हो रहा है विद मी। भाई मैं इंट्रोड्यूस कराना भूल गया आपको, ये आपने मेरे पिछले जब जयपुर आया था मैं, तब मैंने आपको दिखाया था व्लॉग सीरीज में अपने की याशिद बहन। अभी मास्क वास्क लगा के क्योंकि भाई कोरोना का सीजन चल रहा है ब्रो। वहाँ देख लो भाई सस्ते मॉडल आए, अजीत भाई यहाँ हैं, हम लोग आए थे सुबह, हमने एक्चुअली कुछ मिस नहीं किया ज़्यादा, बट कुछ मिस नहीं किया ना, है ना, आगे सही से, है ना। तो गाइस टाइम लैप्स एंजॉय करो आप लोग। वो जो आपको दिख रहा है यहाँ, दैट इज जल महल, देख सकते हो वो भाई अपना सनराइज, मतलब अल्टीमेट व्यू है। और तो गाइज हम लोग एक्चुअली यहाँ क्यों आए अभी आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि जयपुर का जो भाई सनराइज है नाहरगढ़ पे बहुत सही होता है, तो सब लोग बेसिकली यहीं आते हैं सनराइज देखने। हम लोग भी आ गए भाई सुबह सुबह, आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा, और फिर पता नहीं यार यही होती है व्लॉगिंग की लाइफ, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो गाइज
हमारा जो भाई हो गया खत्म यहाँ का, सनराइज हो गया है। और अभी हमारे जो नुन्नू भाई है, आदित्य भाई, उनको थोड़ा जल्दी है घर जाने का, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई निकलते हैं यहाँ से भी, क्योंकि हमारा मेन मोटिव सनराइज ही था। तो और आप जैसा कि देख सकते हो ये पार्ट, ये सा छोटा सा मिनी ट्रैक है, छोटा सा ऊपर तक वहाँ पर, भाई मतलब अल्टीमेट था, मतलब वो भाई। और अभी मैं गिर गया इन द व्लॉग, पर नहीं भाई सही है, बाइक पे बैठते हैं और आगे का प्लान वहाँ डिस्कस करते हैं कि भाई क्या करेंगे। तो गाइस अपने पिछले शॉट में आपने जैसा कि देखा कि मैं गिर गया भाई, आप देख सकते हो भाई। यहाँ हम लोग ने एक्चुअली क्या किया, ये जो पार्ट है छोटा सा, यहाँ से हम लोग ने बाइक ऊपर चढ़ाया, यहाँ से वहाँ से ऊपर है। तो मैंने बोला था आपको कि भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, पर भाई वो जगह देख के क्या मज़ा आ गया भाई। सारी फोटोज़ इंस्टाग्राम पे मिलेगी हमारी, तो भाई मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ये आ रहा है बस आईडी, और एक बार ना बस व्यू दिखा देता हूँ आपको, लास्ट बार नाहरगढ़, आज मतलब इस जर्नी का नाहरगढ़ लास्ट बार, ये है नाहरगढ़ भाई। ये ना गंदगी मत किया करो यार, इतना गंदगी मत किया करो फ्रैंकली। और अपनी बाइक से ऐसे बीच में खड़ी है, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो और चलते हैं फिर सीधा, मिलते हैं। तो गाइस भाई हो गया अपना आज का, अपन निकल रहे हैं यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट। एक्चुअली बंद है वो, 10 बजे खुलता है, राइट नाइट 7:46। और यहाँ रुके थे हम लोग, अच्छा व्यू पॉइंट है, आप लोग आ सकते हो यहाँ। और ट्राई करना बॉस सनराइज ज़रूर कैप्चर करना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। निकलते हैं, रास्ता काफ़ी अच्छा है, अभी तो डाउन हिल है तो मज़ा ही आ जाएगा, लेट्स गो। तो गाइज़ हमारा जो क्लाइम था टूवर्ड्स नाहरगढ़ फोर्ट वो ख़त्म हो चुका है। आप पीछे जैसा कि बोर्ड देख सकते हो, लेफ्ट फॉर नाहरगढ़, लेफ्ट फॉर जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ से जयगढ़ अगर आपको जाना है तो ऊपर जाके एक राइट आता है, वहाँ से आपको राइट जाना है। और अगर आमेर फोर्ट जाना है, जो कि अपन जाएंगे इस बार सब जाएंगे भाई, तो उसके लिए आपको यहाँ से सीधा जाना है। क्लाइम ख़त्म हो गया, अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द हाउस, वील ड्रॉप आदित्य, मतलब जो नुन्नू है, नुन्नू उसका नाम कर दिया भाई, उसको फेमस करना है अपने को, नुन्नू है उसको भाई, ड्रॉप करेंगे अपन। उसके बाद निकलेंगे घर पे सीधा, अभी ज़्यादा कुछ दिखाने लायक नहीं क्योंकि द क्लाइम इज ओवर। मिलते हैं भाई अपन सीधा घर पे, या अगर बीच में कुछ भी हुआ तो मिल जाएंगे। चलो अभी वेट करते हैं अरिजीत भाई का, अरिजीत भाई पीछे हैं, देखते हैं क्या। तो गाइस वी आर फाइनली होम, आप जैसा कि देख सकते हो। यासी कैसी थी राइड, इतना जोर से बहुत ओपी थी ना, कम्फर्टेबल हिमालयन। बस अभी भाई ऊपर चढ़ाते हैं, फिर बात करते हैं भाई आप लोगों से। मैं तो नहीं कर रहा है। तो गाइस ये फाइनली होम, जैसा कि आप देख सकते हो भाई, आ गए अपन सनराइज देख के, काफी अच्छा था, काफी खूबसूरत था सनराइज। और अभी घर आए हैं, देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है, सेट तो है अभी, देखते हैं आगे जैसा भी रहेगा बताया जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं, अच्छा ये यहाँ रख देता हूँ। एक बार अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, इग्नोरिंग द शॉट्स, क्योंकि अपन है भाई घर पे, चिल सीन हो रखा है कतई दिन। इट्स 1:30 इन द आफ्टरनून, हम लोग आ गए थे नाहरगढ़ से अराउंड कह सकते हो आप 9:30। ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि फोर्ट जो है वो 10:30 को खुलता है, और मतलब बेसिकली वहाँ लोग सनराइज़ के लिए जाते हैं, फोर्ट में ऐसा कुछ रखा नहीं ऐसा मैंने सुना है। तो वहाँ तो देखते हैं भाई जैसा भी है। अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी सब लोग थक के, क्योंकि 4:30 उठे थे, 5:30 वी लेफ्ट, और अभी सब लोग चिल कर रहे हैं नीचे भाई। और टॉकिंग अबाउट द वेदर ऑफ जयपुर, इट इज़ वेरी प्लेजेंट एक्चुअली। ये बेस्ट समय है भाई जयपुर आने का, अगर मैं कहूँ आप लोगों को, ये बेस्ट समय है। ज़्यादा धूप नहीं, अभी मैं लिटरली टेरेस पे आया हूँ उनके, आप देख सकते हो जैसे पूरे क्रीपर्स टाइप पेड़ लगा रखे हैं। और वेदर की बात की जाए तो इट इज़, आप देख सकते हो कि मतलब थोड़े थोड़े बादल हैं,
और मतलब जयपुर में अगर आप दिन में खड़े रह सकते हो ना भाई, मतलब दिन में 1:30 2 o'clock आप खड़े रह सकते हो, क्योंकि जयपुर में भाई चुभने वाली गर्मी होती है, पर अगर आप खड़े रह पा रहे हो आराम से तो फिर इशू नहीं है। तो अभी मैं जैसे कि आप देख सकते हो खड़ा रह पा रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं, जल नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, वेरी प्लेजेंट। दिस इज़ द आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग आ रहे हो जयपुर तो अभी, मतलब ये जो अक्टूबर का महीना है, दिस इज़ द बेस्ट टू विजिट जयपुर, क्योंकि दिसंबर विसंबर में ना चुभने वाली सर्दी हो जाती है भाई, लिटरली सर्दी गलत लेवल की हो जाती है। तो बस मैं तो बस ऐसे ही आ गया आप लोगों को थोड़ा अपडेट देने कि अभी हम लोग शायद नीचे जाके बाइक वॉश करेंगे, क्योंकि बाइक जब से जयपुर आई है तब से वॉश हुई नहीं है भाई, तो बाइक वॉश करते हैं, नीचे चलते हैं। तो गाइज ये शॉट और पिछले शॉट में लिटरली 4 घंटे का डिफरेंस है, वो 1:30 को शूट किया था, 5:30 5:45 को शूट कर रहा हूँ ये, मैं सो गया था भाई, बहुत जोर की नींद आ रही थी। और अभी थोड़ा मैंने जैसे कि आपको बोला बाइक धोने आए हैं अपन, ये बाइक को आगे लेते हैं, मेरी बाइक को पीछे लेते हैं और थोड़ा पानी वानी मार के वो साफ कर लेते हैं। गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो सेट कर दिया अपन ने, पानी वानी मारते हैं, मिलते हैं। तो भाई साहब जैसा कि देख सकते हो बाइक इज ऑल क्लीन, चकाचक हो चुकी है भाई अपनी गाड़ी। गाड़ी को अगर सही से मेंटेन करोगे तो फिर आपको गाड़ी सही से लेके आएगी भाई हर जगह। तो अभी प्लान है भाई अपना, कैफ़े वैफे जाएंगे, थोड़ा खाएंगे पिएंगे, क्योंकि यार जब सारे कजिन्स मिलते हैं तो फिर यही होता है कि बाहर जा रहे हैं, बाहर बैठ के मस्त पेल रहे हैं अपन खाना वाना। तो अभी एक बाइक तैयार हो गई है, अभी देखते हैं बाइक में जाते हैं गाड़ी में जाते हैं, जैसा भी रहेगा विल कीप यू गाइज अपडेटेड। और कैफ़े चलते हैं और आपको बताता हूँ कि यार अगर आप जयपुर आ रहे हो तो कैफ़े, ये कैफ़े जाना कितना ज़रूरी है। जुड़े रहिए वीडियो में, लेट्स गो। भाई तो गाइस पूना से आए थे भाई अपन दो पहियों पे, पर अभी इसके आगे जो मतलब आज बेसिकली थोड़ा आलस आ रहा है बाइक वाइक निकालने में, आज बाइक धोई है जैसा कि मैंने आपको बोला। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे पर्सनल फेवरेट कैफे में भाई, जयपुर आऊं किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम से या ऐसे ही, वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए, नहीं तो मेरा जयपुर ट्रिप सफल नहीं होता है, क्योंकि वो ट्रिप का वो जो कैफ़े है उसका मैं एडिक्शन है सर, बहुत बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। क्या बोलते हो सर आप? अभी भाई तो भाई अभी पहुँचते हैं अंदर, कैफ़े में मिलते हैं सीधा भाई। तो गाइस अपन फाइनली आ चुके हैं कैफ़े के अंदर, और मैंने जैसा कि बोला कि भाई जयपुर में यहाँ नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ भाई, ज़िंदगी सफल नहीं हुई मेरी। तो आप देख सकते हो कैफे पूरा, मैं ऑर्डर करता हूँ बैठ के, अभी भैया ने अपने को पहचान लिया है, बस 1.5 साल बाद आ रहा हूँ। पहचाना मेरे को बताना है, बोल पे। अब खाने के बाद पता चलेगा ये बंदा जो है ना पूना से खींचा क्यों चला है अभी पता खींचा, क्योंकि मैं लिटरली मेरा एक ही मोटिव रहता है जयपुर में घूमू नहीं घूमू, जैसे कि मैं वापिस बोल रहा हूँ आपको यहाँ जरूर आना है। पूना से लेके यहाँ तक भाई मतलब बोले जा रहा है, तो मैं सोचा कि भाई चलो आज आते हैं, चलो भाई आज लगता है कि सच में बहुत पीलेंगे, मजा आ जाएगा। तो गाइस ऑर्डर कर दिया है पिज्जे दे फ्रेश लाइम सोडा दे बहुत कुछ और, पिज्जे दे फ्रेश लाइम सोडा आएगा दिखाएंगे, तब तक आप लोग ये सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तो गाइज हो गया अपना यहाँ का सीन सेट, खाना आपने देखा क्या ओपी था, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया भी। गाड़ी में बैठते हैं और फिर मिलते हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई मज़ा आ गया खा के, पेट सेट हो गया, अभी 9 बज रहा है,
तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर को। आज का वीडियो खत्म करने की बारी आ चुकी है, फाइनली यहाँ पे खत्म करेंगे आज अपन। अगर आपको पसंद आया होगा हमारी जयपुर का सीरीज, आज से जैसा कि मैंने आपको बोला, आज से प्रॉपर जो है जयपुर का एक्सप्लोरिंग जो है चालू हो चुका है। और सबको मजा आ रहा है, बहुत यस वाइब आ रहा है, बहुत तगड़ा वाइब आ रहा है इस बार। तो अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ विद याशिका माय सिस्टर, अरिजीत भाई गाय ऑन टू व्हील्स, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय। राइड हार्ड, राइड सेफ।